हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकंड हिंदी प्रवेशिका। हाँ, आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू लर्न फाइन। आप घर पर तो स्टूडेंट्स फाइन होंगे। आई एम उषा टीचर। टुडे स्टार्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 43। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 42 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था नेक्स्ट वीडियो में। आज हम टुडे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 43। ओके स्टूडेंट्स, चित्र पहचान कर कोष्टक भरना। तो आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, चित्र को देखना और कोष्टक कंप्लीट करना। देख सकते हैं यहाँ पर ढोल, कोयल, मोर, खरगोश, मोटर एंड जोकर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख सकते, लुक एट दिस पिक्चर। क्या है बच्चों, ये है हमारा ढोल। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारी है कोयल, जो कुहू कुहू करती है बच्चों, वो है कोयल। अब ये क्या बच्चों बताया आप लोगों को, ये कौन सा बर्ड है, ये है मोर, अवर नेशनल बर्ड, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये कौन स्टूडेंट्स, ये है खरगोश। ओके, जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रैबिट्स। ओके, अब आप लोग देखो ये क्या है, मोटर, मोटर मीन्स होता है कार। क्या होता है स्टूडेंट्स, कार। एंड जोकर, जोकर मीन्स जोकर ही होता है। तो स्टूडेंट चित्र पहचान का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम करेंगे स्टूडेंट छुटे हुए अक्षर को लिखना है, राइट द मिसिंग लेटर। ओके, जैसे कटोरी, लोमड़ी, होली, अशोक, मोटर, मोगरा, ओखली, टोपी। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कटोरी, तो क दिया है, री दिया गया, यहाँ पर डैश है, तो हमें कटोरी। मिसिंग लेटर कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पर ये क्या करना है, लोमड़ी, ये हमारा लोमड़ी। एंड ये जो दिया गया बच्चों यहाँ पर, ये होली कंप्लीट्स। इसके बाद अशोक, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद करना स्टूडेंट्स मोटर, तो ये हो गया मोटर। उसके बाद मोगरा। ओके, अब करेंगे स्टूडेंट्स ओखली एंड टोपी। तो बच्चों क्या किया हमने, देखा आप लोग स्टूडेंट्स, ये जो आगे लिखे हुए थे ना, ये देखिए बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, ये जो लेटर लिखे हुए हैं हमने इसी में से इन्हें कंप्लीट किया है। कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, ये जो ब्रैकेट दी गए ब्रैकेट्स में से चूज करके आंसर, ये जो फिलअप्स करना है, फिल इन ब्लैंक्स। कोयल, घुबड़ा एंड मोगरा, सॉरी कोयल, घोड़ा एंड मोगरा। देख सकते हैं खाली जगह तेज दौड़ता है, बच्चों क्या तेज दौड़ता है दिया गया, क्या है बच्चों, ये घोड़ा, सबसे तेज कौन दौड़ता है, घोड़ा। बेला को खाली जगह भी कहते हैं, तो बेला को क्या कहते हैं बच्चों, बेला को मोगरा भी कहते हैं। ओके, एंड डैश, सॉरी कि पूछा गया यहाँ पर, खाली जगह कुहू कुहू बोलती है, खाली जगह कौन कुहू कुहू बोलती है, मैंने अभी आपको बताया था बच्चों चित्र पहचान कर कोष्टक भरना, तो कुहू कौन करता है, हमारी कोयल, कोयल करती है कुहू कुहू। ओके, तो फिल इन ब्लैंक्स कंप्लीट्स। वाक्य को पढ़ो, लिखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। बच्चों आपको पढ़ना है और लिखना है। ढोलिया ढोल बजाता है, सर्कस में कई जोकर थे, कोयल काली होती है, मोहन घोड़े की सवारी कर। ओके, एक बार आप सजेस्ट करो, ढोलिया ढोल बजाता है, सर्कस में कई जोकर थे, कोयल काली होती है, मोहन घोड़े की सवारी कर। स्टूडेंट्स तो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप लोग ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है बच्चों, ये आप लोग, आई होप मेरे बच्चों को तो ये सब आते ही होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप लोग कर सकते हो, आप लोग आई होप स्टेंसेस भी लिखना अच्छी तरह जानते हो स्टूडेंट्स। तो डू यू होमवर्क? ओके, तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करना है। देखो डोरिया डोर बजाता लिखा, आपको ट्रेस करना है एंड ट्रेस करके फिर ये 3 लाइन्स कंप्लीट करनी है। नाउ नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स, पढ़ो और रंग भरो, रीड एंड द कलर। ओके बच्चों क्या करना है, आपको पढ़ना है, लिखना, कलर, कलर किस पे करना है, इस पे, औ पे, किस पे करना है बच्चों, औ। ओके, औ, औ से औरत, औ से औरत, तो डब्ल्यू एम ए एन, वोमैन, वुमेन मीन्स क्या बच्चों, औरत, क्या होता है, औरत। ओके, तो यहाँ पर देखो औ से, देखिए यहाँ पर औष औषध भी होता है, एम ई डी आई एस आई एन ई, मेडिसिन मीन्स क्या होता है बच्चों, दवाइयाँ, मेडिसिन मीन्स क्या होता है, दवाइयाँ। लुक एट दिस पिक्चर। ओके, पढ़ो लिखो, रीड एंड राइट, औ, क्या है बच्चों, ये औ, औ, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको पहले आपकी वर्ब बुक्स में यू ट्रेस करना है, उसके बाद नोटबुक्स में फिलअप्स करना है, ठीक है। औ कौन सा वर्ण है बच्चों, ये हमारा औ है, कौन सा है, औ। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये 2 लाइंस टू यू होमवर्क आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, औ क्या है, ये औ, ये है औ। ओके,
हिंदी में लिखोगे तो ऊपर लाइन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमारा हिंदी कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके, गुजराती में लिखा जाता है बच्चों, उस पर लाइन नहीं आती, और हिंदी में लाइन लिखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ये हिंदी में हमने लिखा है। ओके, ये आओ आपको क्या करना बच्चों, ये टू लाइन्स कंप्लीट करनी है। पढ़ो लिखो, रीड एंड ब्रैक्स। क क क प्लस ओ, ओ की मात्रा का को, क्या हो गया को, सही कक्का किक्की कुकू के को कौ कं कह। ओके, देखो क पे औ की मात्रा को, ख पे खौ, ग पे गौ, ख पे घौ, च पे चौ, छ पे छौ, ज पे जौ, झ पे झो, ट पे टो, ठ पे ठो, ड पे डो, ढ पे ढो। ओके, इसके बाद ण पे ण, त पे तो, थ पे थौ, द पे धौ, ध पे धौ, न पे नौ, प पे पौ, फ पे फौ, ब पे बौ, भ पे भौ, म पे मौ, य पे यो, र पे रो, ल पे लो, व पे वो, श पे शो, स पे शो, स पे शो, ह पे हो, छ पे छो, ज्ञ पे ज्ञो, त्र पे त्रो, श्र पे श्रो। ओके फ्रेंड्स, आपको पता चला मात्रा लगने पे सभी वर्णों का उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे क से को हो गया, ख से खो, ग से गो, ग से घो, च से चौ, छ से छौ, ज पे जौ। तो फ्रेंड्स, आप लोग यू होमवर्क में ये आप लोग खुद करोगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को क से कौ से लेकर स्र से श्रो तक आपको डू यू वर्ब ओनली फॉर वर्ब में करना है, नोटबुक्स में आपको नहीं करना। नॉमिनेशन पैटर्न करेंगे फ्रेंड्स। पढ़ो सीखो लिखो, रीड लर्न एंड राइट, आपको पढ़ना है लिखना और सीखना। क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या लिखा है, कौन, गौरी और गौर, मौसी, फौरन, कौशिक एंड मौसम। ओके, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करें। यस यस यस, चलो यहाँ पे करना है आप लोग को। कौन बोलते हैं, कौन, ये है गौरी। गौरी किसका नाम है पता है, माता पार्वती का नाम है गौरी। ओके, ये है और, मौसम सीजन। ओके, और मिस होता है एंड, गौर, मौसी, ओके बोलते नहीं मौसी, फौरन मिस होता तुरंत होते ना वो, कौशिक, कौशिक क्या है बच्चों, नाम है। तो फ्रेंड्स सेकंड सेकंड लाइन्स आप लोग खुद कंप्लीट करना, और ये बाकी जो ऊपर का दिया गया आपको ट्रेस करना है। ओके, फिर ओ से शुरू होने वाले शब्दों को टिक करना है, टिक द वर्ड बीच विद बिगिन ओ। ओके, जैसे दिखा है मोर, औषध, कोर, औषध, औरत एंड फॉरन, ओ। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, ओ से करना है। तो देखिए यहाँ पर औषध, उसके बाद क्या है, औषध एंड औरत कंप्लीट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना है हमें और की ओ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाना है। तो ओ को तीर की दिशा में पढ़कर आपको शब्द का मैक द वर्ड बाय डायरेक्शन भी करना है आपको, जो डायरेक्शन कंप्लीट करते वो देखो। देखें अ से और अस, देखो नहीं सॉरी, ओ से और, ओ से औरत, औषे औसत, औषे औसत ने, औ से औजार ने, औ से औलाद। ओके, तो हम कंप्लीट करें, औरत। ओके, इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, औषध, उसके बाद स्टूडेंट्स औषध, औजार एंड औलाद। ओके, इस तरह से मैंने और को तीन की दिशा में बताकर कंप्लीट कर दिया। आप करेंगे उसको चित्र पहचान के नीचे उसका नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द इट्स नेम। से बच्चों क्या कर, चित्र देखकर उसका नाम लिखना है, नौका, हथौड़ा, खिलौना एंड कौआ। ओके, तो आप लोग देखते हो स्टूडेंट्स ये क्या है, हु इज दिस, क्या है बच्चों, ये है बच्चों खिलौना। तो स्टूडेंट्स ये है खिलौना, ये है कौआ, ये है नौका और ये है हथौड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 45 तक आपको कंप्लीट करना है आपकी वर्क बुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, और आपको मैं पेज नंबर 46 लर्न बाय हार्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आपको हम डू यू हमर क्या है, आपको ये औ को ये जो डायरेक्शन बनाएंगे बच्चों आपको यू करके कंप्लीट करना है, और ये आपको ट्रेस एंड ब्राइट आपकी वर्क बुक में करना है, और ये आपको आपकी नोटबुक्स में क्या चित्र पहचान के नहीं सिर्फ क्या लिखना है आपको, उसका नाम लिखना। ओके, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो ये आपको ये वर्क बुक मैंने लिखने के लिए दिया, कौ से लेकर श्र स्रो तक आपको कंप्लीट करना है आपकी आपकी वर्क बुक्स में। ओके,
तो फ्रेंड्स आप लोग को और क्या करना है, और आपको ये जो वाक्य लिखा है ना, वाक्य पढ़ो लिखो। तो फ्रेंड्स ऐसे जो सेंटेंस मैं आपको जब भी कराती हूँ आपकी वर्कबुक में, तो आप लोग को क्या करना है, आपको आपकी नोटबुक्स में कंपल